हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो ट्रिप है हमारी, होम टू राजा का ताजपुर, जो गिरजाघर है हम वहाँ जाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए। फिर ताजपुर जाते। तो दोस्तों हम जो है शॉर्ट रास्ता अपना रहे हैं, यहाँ शॉर्ट रास्ते से निकलेंगे हम। दोस्तों इस टाइम जो है काकुल है और मैं हूँ, साथ में और कोई नहीं है। दोस्तों काकुल को हम गाड़ी सिखाएंगे और इसीलिए यही एक रीजन है जिस वजह से हम हाईवे पे अपन नहीं गए। ऐसी रोड पे काकुल अच्छे से चलानी सीख जाएगा गाड़ी। और कभी ऐसा होता है दोस्तों, कभी लंबे टूर पे जाते हैं, कोई लंबी ट्रिप होती है तो गाड़ी मैं ही चलाता हूँ और कोई नहीं, और मैं काफ़ी थक जाता हूँ। दोस्तों दो ड्राइवर रहेंगे तो बारी बारी से चला लिया करेंगे। अभी से मुझे काकुल को गाड़ी सिखानी पड़ेगी। दोस्तों यहीं हम रोकते हैं गाड़ी को और काकुल को गाड़ी चलानी सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों हम उतरते हैं। आजा भाई काकुल, आजा सीट पर। आप उधर आ गया है और बैठ जाते हैं। पता तो है ना सब चीज का। तो सबसे पहले सीट बेल्ट, सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी चाहिए। तो दोस्तों मैं भी लगा लेता हूँ सीट बेल्ट। लगानी थोड़ी मुश्किल सी है बट कोई नहीं, लग गई। चले भाई, अब पहला गियर डाल दिया। तो पहला गियर डाल दिया, क्लच दबा रख के धीरे धीरे चलना है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सीलेटर देना, हल्का हल्का हल्का, बहुत इशारे से। दूसरा गियर ये डाल दिया, दूसरा गियर। और काकुल इस टाइम ड्राइव कर रहा है, बस तो देखना ठीक ठीक चल रही है गाड़ी, आराम से है ना। ज़्यादा रेस नहीं दबानी, बस दूसरे गियर पे चलना है अभी। तीसरा बहुत हैवी है, उसको रेस मांगता है। हॉर्न मोड़ पे हमेशा हॉर्न देना है। काकुल चला रहा है गाड़ी भाई, मोड़ है इधर, ठीक है ना, बहुत आराम से चलना है। हल्का क्लच नहीं दबानी, क्लच से पैर हटा ही लेना है। ठीक है, हाँ, एक क्लच पे एक बार काम पड़ता है, गियर बदलने के टाइम गियर बदला, क्लच से पैर हटा दिया। रेस और ब्रेक पर हमेशा रखना है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चला रहा है काफी भाई। भाई
में आगे ही देखना भाई, ऐसा नहीं है कि इधर उधर देखेंगे तो फिर ऐसे ध्यान भटका है। मस्त से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लगा सकते हो भाई, तीसरा गियर अभी मोड़ से निकल जाने के बाद हल्की हल्की रेस दो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा रेस दो भाई, हल्के से प्यार से रेस देनी है, प्यार से स्टीयरिंग काटना है। ये चलो धीरे धीरे, क्लच दबाओ हल्की, ब्रेक यहाँ बंद भी हो सकती है गाड़ी। ये सही है, सही है। अगर तीसरे गियर में गाड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं, क्लच दबा लेना है, हल्का सा ब्रेक लेना है, फिर रेस दबा के हल्के गले ऐसे चलना है। नहीं बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दोस्तों काकुल को गाड़ी चलानी आ गई है। काकुल भाई गाड़ी चलाकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कोई डर वर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, गाड़ी चलाना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है थोड़ा, गियर डालने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। अच्छा चलो चलो दोस्तों, मैं ये देख रहा था एक रास्ता था वो निकला या नहीं निकला, कोई नहीं दोस्तों। कार चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा साइड एडजस्टमेंट होना चाहिए और सबसे पहली बात मन में भय नहीं होना चाहिए। अगर भय होगा, डर होगा तो दोस्तों गाड़ी बिल्कुल चलाना मुश्किल है। फौरन बजा, चलो 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 चलो, कोई नहीं कोई नहीं, चलो बस। काकुल भाई थोड़ी रोड ठीक ठाक है, ठीक नहीं है, थोड़ी सी आगे खराब है ना, इसके बाद तीसरा गियर डालना है, आज चौथे गियर में भी डालना सिखा देंगे। धीरे से ब्रेक लेके और क्लच हल्का था, बस बस बहुत बढ़िया। दूसरे गियर पे बंद नहीं होती, रेत हो, बजरी हो या कीचड़ हो, ऐसी जगह पे दूसरे गियर में ही निकालनी चाहिए गाड़ी। गाड़ी बंद नहीं होगी, कंटिन्यू रेस दी हो जाओ, गाड़ी फंसेगी नहीं, निकल जाएगी। दोस्तों इधर बहुत सारी चील बैठी हुई हैं, इधर हम नहर के किनारे चल रहे हैं, जो बड़ी वाली नहर है हम इसी में चल रहे हैं। और ये रोड काफ़ी बेकार सी है, मेरे को तो लगा था कि ठीक है, ये तो काफ़ी ख़राब रोड है। ये बारिश हुई थी दोस्तों, इसी का पानी भरा हुआ है। ज़्यादा रेस दो ना तो फिर गियर डालना है। चलो हल्की सी रेस दो, 25 के समथिंग रेस पहुंच जाएगी, अपना गियर तीसरा गियर डालेगा। तीसरा गियर डालने में कंफर्टेबल हो भाई? अभी थोड़ा आगे थोड़ा खराब है ना, तो उसे डालेंगे। ठीक से आ जाएगी, ठीक से तो नहीं लग रही थी। यहीं से जाना है किधर को? ये दोस्तों ठीक ठाक टर्न लिया है भाई ने, पर इधर की साइड हमेशा नहीं दबनी, ठीक है, अपनी साइड में ले आनी है काट के, वहीं से ऐसे काटनी है कि अपनी साइड में गाड़ी पहुंचे, ठीक है। बस मोड़ भी है पर डल गया, बस डल गया तीसरा गियर, सबसे आसान होता है तीसरा गियर डालना, रेस देना है ना, गाड़ी दबके चलेगी, वरना अगर ओवरटेक कर सको तो कर लेना, नहीं मोटरसाइकिल आ रही है, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल बिल्कुल जड़ में को निकली है, ठीक है, ट्रैक्टर की जड़ में को निकली है, इतना कोई आराम से चल, आराम से आराम से आराम से, ब्रेक लेना हल्के से, क्लच 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 ब्रेक। दोस्तों मेरे को भी डर लग रहा है कि भाई कहीं
लगा वगा ना दे। बिना बताए ही दूसरे गियर में भाई ने डाल दी गाड़ी, आ जाएगी। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन अगर गाड़ी चला ली तो भाई ने तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा बंदा। बहुत बढ़िया काबिल भाई, बहुत अच्छे से चलानी आ रही है गाड़ी। है ना, ब्रेकर पर थोड़ा ब्रेक लेके, ठीक है ठीक है, अपनी साइड दबा के चलना, अपनी साइड ये यही चलना इस तरीके से। हमें पता होना चाहिए इस वाली सीट पे बैठ के, हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट वाला जो टायर है वो कहाँ जा रहा है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। तीसरे गियर पर डाल के मगर चलना आराम से, स्लोली स्लोली, ठीक है। हॉर्न भाई को पता लगे कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, सतर्क रहे दोस्तों। बाइक वाला देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं लोग। कोई नहीं दोस्तों, उनका काम देखने का, हमारा काम वीडियो बनाने का है, आपके लिए मेहनत करने का। दोस्तों वीडियो को एंजॉय करिए मस्त। अब तो डर नहीं लग रहा भाई? नहीं, बहुत है, आसान है। सबसे पहली बात, डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कोई भी काम करोगे तो डर सबसे पहले, अगर जो डर है मन में, नहीं ठीक है वो अपना बचा लेगा। ऐसे ही बहुत बढ़िया आगे देखना, थोड़ी सी जगह है, क्या निकल जाएगी गाड़ी बड़े आराम से ना। ब्रेक क्लच लेके हाफ क्लच में, और रेस देनी है, रेस बस। जैसे ही रेस दोगे वैसे ही क्लच को उठाओ, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं, बढ़िया। कभी भी मोड़ पे अपनी साइड नहीं दबानी, ठीक है, मतलब उधर की राइट साइड नहीं दबा के चलना, क्योंकि क्या पता मोड़ पे दूसरी साइड से कोई बंदा रहो, क्लच लेके, हाफ क्लच लेके मोड़ पे, हाफ क्लच में मोड़ नहीं है। बहुत बढ़िया टर्न, ऐसे नहीं चलना अपनी साइड को दबा के, ठीक है, उसके लिए भी छोड़नी है जगह। धीरे धीरे हल्के हल्के ब्रेक लेने हैं। नहीं, ये गलत प्रोसेस है, ठीक है। क्लच वाला पैर क्लच पे रहना है, रेस वाला पैर आना है ब्रेक पे, ठीक है। रेस छूट जानी है तब ब्रेक अप्लाई होने हैं, ठीक है। भाई हम दम का ड्राइवर जल्दी बना देगा, मजा आ रहा है फुल। अरे ड्राइविंग तो बहुत हल्की चीज़ है, मगर सब दिमाग का खेल है। प्री प्लान होता है सब चीज़, कि हमें यहाँ मोड़ आने वाला है आगे, और कैसे मोड़नी है। अगर पीछे से कोई आए तो उस टाइम अपनी गाड़ी को स्लोली करना है, ताकि वो पिछला वाला निकल जाए।
दोस्तों, पीछे हमारे टायर पोर्ट्स रखे हैं। बढ़िया मस्त दूसरे पे। हाँ ऐ हल्के, ऐसा नहीं, कभी सडन नहीं ब्रेक नहीं मारने। छांव से पहले पहले गाड़ी रोकनी है, ठीक है। अब कैसे रोकनी है, बिना, चलो 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 भाई, जहां मैं बोलूं कि गाड़ी रोकनी है तो वहां रोकनी है। चलो 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 चलो, मैं बता दूंगा, गाड़ी रोको। सही है, उठाओ कलट के गेयर 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 कौन चेंज करेगा, पहले पे लेनी है, तीसरा नहीं, पहला। धीरे धीरे उठाना है, उठाओ, तेज दो हल्की, रोको, उठाओ। ये गलती है, ठीक है। बिना क्लच दाब के गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। पहला गियर लगा दिया, हाँ ये सही है। दूसरा गियर, पीछे से हॉर्न मार रहा कोई, ठीक है। गाड़ी है, साइड से दबानी है, बहुत साइड से स्लोली करनी है, बहुत स्लो, बस ऐसी धीरे धीरे चलना अपनी साइड। बस गाड़ी निकल गई होंगी शायद, देख रहा शीशे में, निकल गई, अब तो नहीं है कोई गाड़ी। दोस्तों ये दो गाड़ी थी जिन्होंने हॉर्न मारा था, अब बड़ी प्यार से चलनी भाई भाई भाई, आराम से ना। चलो 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 कार है, बाइक है, बहुत अच्छी। दोस्तों आंटी बात करके जा रही फोन पे, रोक ले, वो निकलेगी नहीं बुग्गी, आगे से बुग्गी आ रही है, बुग्गी निकलेगी नहीं, रोकना। इधर को दबना मोड़ पे, यहीं यहीं धीरे धीरे, बस बहुत ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, निकल गई निकल गई। चलो 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 बढ़िया, चलो। फिर वही बात, फिर वही गलती, फिर वही गलती, इधर की साइड का एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये पट्टी पे आनी चाहिए, इसको देखोगे तो यहाँ पट्टी पे नजर आएगी, समझ लेना गाड़ी पट्टी के अंदर है, ठीक है। उस हिसाब से चलना है, मोड़ पे भी उसी हिसाब से चलना है। तीसरा गियर, तीसरा सबसे सिंपल होता है, तीसरा गियर। अभी गियर याद नहीं है, क्या है, क्लच छोड़ी नहीं, रेस दे दी, इससे आगे रोक लेना ना। काफ़ी टाइम हो जाएगा दोस्तों अगर ऐसे ही काकुल चलता रहा तो, इसी स्पीड से ये अब से ही मुड़ी है, ठीक है। बस रोक लेना, रोकना, अरे गाड़ी रोक लेना भाई, आज के लिए इतने काफ़ी है ना, काफ़ी है। मैं खोलता हूँ सीट बेल्ट,
सीट बेल्ट खोलता हूँ और ड्राइवर चेंज। पापा जी को लो नहीं सारे लगाते हैं सीट बेल्ट और चलते हैं जल्दी से। हेलो आ गए रवाना आ गए। हाँ पक्का रवाना पहुंच गए। हाँ ठीक है तो रवाना से निकल गए। ये कच्चा वाला रास्ता ना था वो जो रास्ता बना है वहाँ आ गए हम। हाँ साथ में जाएगा हमारा मामा का लड़का राजन। दोस्तों वो हमें उसका हमें फोन आया कि भाई कहाँ आ गए। दोस्तों वो वहीं का रहने वाला है ताजपुर का। तो दोस्तों वो हमें कॉल कर रहा है। हम काकुल की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए और दोस्तों मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो हम चलते हैं उसके पास में जल्दी मिलते हैं उससे मुलाकात करते हैं और फिर चलते हैं आप फिर जगह हमारी बात रास्ता बड़ी खत्म हो गया। नया माल पड़ा है अभी ताजी तो ज्यादा तेज स्पीड पे चलानी नहीं है यहाँ दोस्तों। आवाज सुन सकते हो वरना बजरिया उखड़ जाएंगे। दोस्तों बहुत प्यार के साथ लेके चलेंगे हम। एक टायर नीचे हाँ एक टायर थोड़ा नीचे लेके चलेंगे और एक टायर ऊपर और वो भी कम स्पीड से। क्योंकि दोस्तों दूसरे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी पुल से होंगे इसी पुल पर चढ़ के जाएंगे। ठीक है ऐसा मोड़ते हैं अपनी साइड मोड़ आगे आगे से अगर कोई मोटरसाइकिल आ रही होती उसको मिलती। बजरिया की जो बजरिया उस पर चिपक गई ना जो डामर में मिली हुई होती है वो टायर पे चिपक गई। टायर जब रोटेट हो रहा है बहुत ही स्पीड से तो बजरिया फ्रैक्चर मार रहा है बॉडी पे उसकी आवाज आ रही है।
गाड़ी हिला के रख देता है। और भाई घर सब ठीक? पहली बार आ रहा ना कैमरे पे, थोड़ा झिझक रहा है बोलते हुए, शर्म लग रही है। ये गन्ना दोस्तों जा रहा है शुगर मिल सिवारा में। सारी एरिया का गन्ना भाई सिवारा मिल में जाता है। माता हाई स्कूल राजा का ताजपुर बिजनौर दोस्तों इसी नाम से स्कूल चलता है। ये हाई स्कूल तक स्कूल है ना, है इंटर तक मान्यता कब तक की है इसकी, हाई स्कूल की इंटर की? ये गिरजाघर है ना, है पीछे जा रहा पीछे से गेट तो दिखा दिखा दे। अरे बात तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए गिरजाघर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।